प्रेसिडेंट फैज अहमद कुमार, ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन। हमारा मकसद ये प्रोटेस्ट बुलाने का, ये पुरमन प्रोटेस्ट है, हमारा मकसद यही था कि ऑटो साहब को थोड़ा होशियार करें हम, क्योंकि मुझे लगता है ऑटो साहब अभी सो रहे हैं, जबकि ऑटो साहब ने ऑर्डर्स मार्च की डायरेक्शन है लास्ट माइल कनेक्टिविटी ई रिक्शा की। हम ई रिक्शा के खिलाफ है ही नहीं, हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी का हम वेलकम किया, हमने ई रिक्शा का वेलकम किया हमने, क्योंकि ठीक है इनको ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, हम उसके साथ हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन एक बात है सर, मैं आपकी वसादत से ये बात हुकाम अहले हुकाम को, लेफ्टिनेंट खासतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो हकदार हम इसके थे, क्योंकि हम तो 60 साल 50 साल 40 साल के ड्राइवर हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें वाजिया चाहिए, हम बोलते हैं गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमें अपनी पॉलिसी वाजिया करें। अगर इनको ई रिक्शा चलाना है, पेट्रोल ऑटो खत्म करना है, तो इनको नए तरीके से पेट्रोल क्यों डाल रहे हैं? अभी आप देखो कितने पेट्रोल ऑटो आ रहे हैं नए तरीके से। दूसरी बात, अगर ई रिक्शा इनको चलाना है, इनने रूट्स निकाले, डीसी साहब इसके चेयरमैन रहे हैं मीटिंग में, आरटीआई मीटिंग, इसमें 73 रूट्स हो गई। आप जाइए मानबल की साइड, आप जाइए परिमपुरा से पालपुरा वो गुजरबल, उधर आपने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है ही नहीं, जबकि वो उन साइडों के ड्राइवरों ने ऑटो उठाए हैं वो नेहरू पार्क पे चल रहे हैं। रंगरेट में कोई ई रिक्शा उठा रहा है वो जहांगीर चौक पे आ रहा है, कोई छानपुरा से ई रिक्शा उठा रहा है वो जहांगीर चौक आ रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलते हैं इनके जो अपने अपने रूट्स हैं इनको इन्हीं पर चलाइए, हम गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट ऑर्डर है इनका, डी सी साहब ने ऑर्डर निकाला है, इसको हमने डाली थी रिप्रेजेंटेशन डिविजनल कमिश्नर को भी, तो उन्होंने वहाँ से दिया, उन्होंने बोला है ऑटो कश्मीर और एस ट्रैफिक को कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी, लेकिन अभी तक उनको मिली नहीं। हम तो सोच, हम तो बेरोजगार हो गए, 5-5 लाख के ऑटो हैं, हम रोड पे कमा नहीं रहे, हमारी फैमिली आधे तो किराए पर है, आधे को फाइनेंस है, काफ़ी ज़्यादा तो फाइनेंस पे ही है, यहाँ आपको तो पता ही है 5-5 लाख रुपया 4-4 लाख में ऑटो मिल रहा है। आप बोले इनकी कमाई कम से कम 1000 भी नहीं होनी चाहिए, अब आप बोल रहे हो अवर रेट्स, हमारे पे एक चैलेंज है अवर रेट्स। हाँ ठीक बात है, अवर रेट्स हो रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने मीटर की रेट डाली थी वो 2019 में निकली थी, ठीक है 39, तब से आप देखिए पेट्रोल की हाइक्स, तब से आप देखिए ऑटो कश्मीर 219 में कितना पे ले रहे थे, आज उनका पे कितना है, ठीक है आप समझिए। हम इसलिए आला हुकाम से अपील करते हैं, ठीक है हम मीटर पे चलेंगे, लेकिन हमें रीजनेबल रेट्स चाहिए, उसके लिए हमने डाली है रिप्रेजेंटेशन अपनी। उसके साथ तो ऑटो अभी बोल रहे थे, परसों ने दिया था एशिया हब पे एक इंटरव्यू दिया था, ई रिक्शा भी चलेंगे ऑटो भी चलेंगे, ठीक है, लेकिन हमें बोलिए अपनी पॉलिसी वाजह कीजिए, हमें ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा में, पेट्रोल ऑटो और ई रिक्शा में फ़र्क कुछ नहीं है। जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो परमिट लगता है वो श्रीनगर सिटी में होता है, वो ऑटो साहब को सोचना है, ठीक है। जब उन्होंने मुझे श्रीनगर सिटी में घूमने के लिए परमिट दिया तो मैं घूम सकता हूँ, इनके पास है ही नहीं, इनके पास पॉलिसी बनी है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अलावा ये चल नहीं सकते, जबकि ये चढ़ रहे हैं जहांगीर चौक टू डल गेट, ये 5-5 सवारियाँ बिठा रहे हैं, ये 20-20 रुपया पर पैसेंजर ले रहे हैं, इनका बनता है 100। मुझे बोलते हैं ई रिक्शा वाले आप 100 रुपया एक पैसेंजर, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ 20-20 रुपये पे, 3 पैसेंजर मैं बिठाऊंगा, 60 रुपया मैं यहाँ से लूंगा, 60 रुपया वहाँ से, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से 70 रुपया जहांगीर चौक तक लेता हूँ मुझे वहाँ से खाली आना पड़ता है, जबकि मेरा रोजगार भी ड्राइवर हजार का रोजगार बनेगा। हम भी चलने के लिए तैयार है, हम सोचते हैं ऑटो साहब इसमें पहल करे, हमें भी इजाजत दे चलने के लिए, जब भी उनको कोई शिकायत आएगी, आज तो HSRP नंबर प्लेट्स लगे हैं, आज तो वो सरकार है नहीं, आज तो खुलेआम है अगर कोई करेगा रोड पे वायलेशन वो तो सीधे ही पहुंचता है, आज तो ऑटो ऑफिशियल भी है उस पर भी लीक विक दिए रखे हैं ऑटो साहब ने। इसलिए हम ऑटो साहब को अभी भी जोरदार अपील मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज फॉर गॉड से हमारा आप सोचे, हमारा रोजगार का सोचे, हम ई रिक्शा के खिलाफ है नहीं, हम ई रिक्शा को बोलते हैं अपने रूट्स पे चलो, जबकि ई रिक्शा के जो प्रेसिडेंट हजरात है उन्होंने हमारे साथ ताउन बराबर किया, लेकिन कुछ माफिया वहां पर बने हैं, खुद कुछ अनासिर वो खुद ब खुद चल रहे हैं, मानते नहीं है किसी का। हमने परसों बोला था ऑटो कश्मीर को आप अपना टीम एनफोर्समेंट ड्राइव कीजिए, उनने बोला वहां से मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास खाली एक इंस्पेक्टर बचा है, क्यों नहीं कर सकते, एक दिन ड्राइव कीजिए खुद भी देखिए, आप खुद जाइए खुद देखिए क्या हो रहा है, हमारे साथ ना इंसाफी हो रहे हैं। जावेद अहमद है, मैं ऑल कश्मीर ऑटो एसोसिएशन का सीनियर सेक्रेटरी हूँ। देखिए आज का जो प्रोटेस्ट हमने यहाँ पर बुलाया था, हमने ये ऑटो साहब के दफ्तर में बुलाया था, देखिए सबसे बड़ी बात, परसों भी हमने मीटिंग की, परसों भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने 2 दिन रखे थे ऑटो साहब को, हमने गुजारिश की थी ऑटो साहब से कि हमारा मसला सुनिए, हमारी हालत देखिए क्या है, पिछले 5 महीने
दिन महीने से हम बेकार बैठे हैं। ई रिक्शा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई है, लेकिन RTO साहब ने डिवाइड एंड रूल किया। ई रिक्शा वालों को उन रूट्स पे चलने दिया जो रूट्स हमारे हैं, क्योंकि हम परमिट होल्डर हैं। हम सरकार, अगर हम सरकार को टैक्स भरते हैं तो हमारा फायदा। तो और पिछली बार RTO साहब ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में कह रहा है कि पेट्रोल ऑटो और ई रिक्शा सेम है। देखिए ये कौन सी बात है, ये तो मेरी जहन के बाहर है, मेरी नॉलेज के बाहर है। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, हम अनपढ़ नहीं है। अगर RTO साहब चेक करना चाहते, देखिए हम कब के ग्रेजुएट है, हमारी पोजीशन है क्या, हम अपने हिसाब से चलना चाहते। देखिए ई रिक्शा वाले भी हमारे भाई है, जिन रूट्स पे हम चल रहे हैं, मिनी बस चल रहे, सोमो चले, उन रूट पे RTO साहब ने इनको अलाउ किया। देखिए सरकार ने जो पॉलिसी निकाली हम उसका भी वेलकम करेंगे। सरकार ने स्मार्ट सिटी हर एक चीज़ का वेलकम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को पहले चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टर रोड्स पर रन कर रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। हम ही रिक्शा लाते, जो मेरे पास 15,000 ऑटोस, मैं इनको रिक्शा देता, फिर क्यों इन्होंने अलाउ किया इनको, पहले इसका तो सोचना था ना इनको। ये देखिए कितने सारे 5-5 लाख 4-4 करोड़ रुपए के ऑटोस हैं हमारे पास, जिन्होंने कर्जे पे लाया, लोन पे लाया, अभी किस्त नहीं भरे पिछले 5 महीने से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रेजेंट पोजीशन में किस्त भी हमने नहीं भरे, कैसे वो चलाएगा अपनी फैमिली को, कैसे चलाएगा। हम अपनी हक की बात कर रहे हैं, हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे, हम अपनी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। ये बात सरकार तक पहुंचाइए, हमें हमारा हक दीजिए, हम अपने अपने रोजी अपने अपने काम पे चलेंगे। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना एरिया, वो भी हमारे भाई है, उनके साथ हमारा जो लेन देन है वो डिपार्टमेंट के साथ है। RTO साहब आए और हमारा मसला हल करिए।